अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, चाइना ने जिस हाइपरसोनिक मिज़ाइल का तजुर्बा किया है वो मिज़ाइल अमेरिका अगले 10 सालों में भी नहीं बना सकता। भारतीय मीडिया भी इस मिज़ाइल से अपनी आवाम को कैसे डरा रहा है, भारतीय मीडिया की इस मिज़ाइल के खौफ से क्या हालत है वो भी आपको दिखाऊँगा। लेकिन आपको पहले बता दूँ कि असल में इस खौफ की वजह क्या है। चीन ने दुनिया का पहला हाइपरसोनिक मिज़ाइल तैयार किया है जो कि तैयारों के इंजन से निकलने वाली गर्मी का पीछा करता है और चंद सेकंड में तैयारे को दबोच लेता है। चाहे तैयारा राफेल हो या फिर अमेरिका का F-22 या F-35 स्टेल्थ तैयारे हों, इस मिज़ाइल से कोई तैयारा बच नहीं पाएगा, क्योंकि ये मिज़ाइल सिर्फ तैयारे की गर्मी को महसूस करता है और इसे चंद सेकंड में अपना शिकार बना लेता है। चाइना ने जब इस मिज़ाइल टेस्ट के बाद बयान जारी किया तो कहा कि अब दुनिया का कोई स्टेल्थ तैयारा चीन के मिज़ाइल से बच नहीं सकता। इस किस्म के मिज़ाइल को हीट सीकिंग मिज़ाइल कहा जाता है, जबकि चाइना के इस मिज़ाइल को ज़मीन से फायर किया जाता है। चाइना के मुताबिक चीन इस मिज़ाइल से F-22 को सेकंड्स में तबाह कर सकता है। अमरीकी फजाइया का बयान भी सामने आ चुका है। अमरीका के मुताबिक 1980 की दिहाई में हीट सीकिंग मिज़ाइलों से 90% एयरक्राफ्ट को तबाह किया गया, जबकि अमरीका के मुताबिक हीट सीकिंग मिज़ाइल F-22 जैसे तैयारे को बआसानी तबाह कर सकता है, क्योंकि परवाज़ के दौरान स्टेल्थ तैयारों की कोटिंग हीटअप हो जाती है। बहरहाल आइए आपको भारतीय मीडिया की क्लिप सुनवाते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है, हीट डिटेक्टिंग मिसाइल। जी हां, मिसाइल फाइटर जेट से निकलने वाली गर्मी का पीछा करने में सक्षम है। चीन क्या क्या नए हथियार बनाते रहता है आप देखिए, उसने अब गर्मी का पीछा करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है। चीन मिसाइल जेट से निकलने वाली गर्मी का पीछा करने में सक्षम है। चीन की यह मिसाइल, चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल से अमेरिका में हड़कंप मच गया है। विशेषज्ञों का दावा है ऐसी मिसाइल अमेरिका के बस की बात नहीं। सुमित हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। सुमित, मतलब चीन का पूरा टारगेट यह है कि इकोनॉमी हो, डिफेंस हो, दुनिया में अमेरिका से बड़ी पावर बनना है, अमेरिका को हर मोर्चे पर पीछे छोड़ना है। उसी के चलते एक और हम यहां नया इन्वेंशन देख रहे हैं उनका। देखिए, बिल्कुल लगातार चीन जिस तरीके से इन्वेंशन कर रहा है, जिस तरीके से लगातार अपने हथियारों के जखीरे को बढ़ा रहा है, सेट टारगेट के हिसाब से 2025, 2027, 2030 यहां तक की मोटा टारगेट है कि 2050 तक या 40 तक उसको अपनी नेवी को दुनिया की सबसे बड़ी नेवी कर लेना है। तो इस तरीके के टारगेट को लगातार चीन अचीव करता जा रहा है। और हाइपरसोनिक मिसाइल छोड़िए, फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट ले लीजिए, चीन लगातार इन चीजों पर ना सिर्फ काम कर रहा है बल्कि बहुत तेजी से अमेरिका से आगे बढ़त भी बना रहा है। ये अमेरिका जानता है। और अभी मैं आपको बताऊं कि कुछ समय पहले जब मैं खुद नेवी चीफ से उनके मिला था, एयरपोर्ट के उनके नेवी चीफ से मिला था, तब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि चीन जिस तरीके से पैटर्न पे काम कर रहा है वो बहुत तेजी में है। और यही वजह है कि बहुत तेजी में ना सिर्फ इन टेक्नोलॉजीज को रिवर्स टेक्नोलॉजी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है बल्कि खुद की अमेरिका की कई टेक्नोलॉजीज को वो अमेरिका से ज्यादा बेहतर तरीके से प्रोड्यूस कर रहा है या फिर इन्वेंट कर रहा है। तो ये एक मेजर कंसर्न है ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि कई बड़ी कंट्रीज के लिए भी। ठीक है।